हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल सा इजी मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस लुक को क्रिएट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, फटाफट से मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। और ये वाला जो आई मेकअप है मेरा फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आप लोगों को भी हो सकता है ये वाला आई मेकअप पसंद आए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हुए देखती इस लुक को हमने कैसे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी NYB का कंसीलर, मेरा सेड है गोल्डन 3। हटो बेटा, बस हो गया, चलो हो गया हो गया। उन्हें ही आईलेट पे अच्छे से आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से अप्लाई कर लेना है आपको। और एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिमालया के पाउडर से सेट कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ जेल लाइनर। इसमें मुझे दो सेट मिले थे, एक ब्राउन और ब्लैक, काफ़ी अच्छा है ये। तरीके से हल्का सा एक विग लाइनर ड्रॉ करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा आपको जेल लाइनर अप्लाई करना है, इकट्ठे नहीं लगाना है, और इसको क्रॉस करके बनाना, मतलब सीधा नहीं रखना है आपको। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, जैसे तिरछे में होता है ना, ये इस तरीके से ही आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद अब मैं ले रही हूँ मोर्फी का पैलेट। इसमें से मैं ये ब्लैक वाला सेट पिक करूंगी फिंगर की हेल्प से, हल्का सा इस तरीके से सेट कर लेंगे। मैं ट्रांजिशन सेट के लिए ऑरेंज सेट पिक कर रही हूँ। काफी ज्यादा पिगमेंटेशन है इसकी, मिल्टन व्हाइट आई पैलेट की, तो आप ध्यान से लगाइएगा इसको। हल्का हल्का सा क्रीज भी अप्लाई करूंगी। ये देखिए, इसकी पिगमेंटेशन जो है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये वाला शेड लूंगी फिंगर की हेल्प से, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा ब्लेंड आउट करूंगी। ये देखिए, इजी मैं आपको आई मेकअप बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप ये आई मेकअप कर सकते हो। और फिर इसके बाद हल्का सा फिर से हम ऑरेंज शेड लेंगे, हल्का सा ब्लेंड आउट कर देंगे। ले रही हूँ NYB का। इसी तरीके से मैं लाइनर अप्लाई करूंगी, और NYB का लाइनर बजट में है, सभी को पता है, मेरा फेवरेट है। बजट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम जेल लाइनर लेंगे, उससे हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। जेल लाइनर ब्राउन वाला मैंने लिया है, काफ़ी नेचुरल लुक देता है ये। इसमें दो शेड आपको आराम से मिल जाते हैं। फिल करूंगी मैं, एक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, उसके पीछे एक ब्रो कॉम है। अगर आप ये आईब्रो पेंसिल लेना चाहते हैं तो अमेजोन में मैं लिंक दे दूंगी, अब जाके ले लीजिएगा। वहीं से मैंने इसे लिया था, काफ़ी बजट में है और काफ़ी दिन से मेरी चल भी रही है, तो बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं ले रही हूँ VLC का सीरम। ये ज़्यादा लाइट वेट है और आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाता है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को वाइटनिंग का भी काम करता है, आपकी स्किन में वाइटनिंग भी लाने का काम करता है। इसके बाद मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, बहुत ही अच्छा है ये भी लाइट वेट है, बिल्कुल पता नहीं चलता जब आप लगाते हो ना, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में ये सेट हो जाता है। प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ कलर बार का प्राइमर, और ये पोर मिनिमाइज प्राइमर है, जो आपके ओपन पोर्स होता है उनको मिनिमाइज कर देता है। समर आ चुका है और समर में हमें चाहिए अपने ओपन पोर्स उनको बंद करना, यानी मिनिमाइज करना। मिनिमाइज प्राइमर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ना, कि जब हम मेकअप करके जाएंगे तो हमारा जो पसीना आएगा, हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके काला काला दिखेगा, और कौन चाहता है यार कि मेकअप करने के बाद वो अजीब सा दिखे, है ना। और इसके लिए हम ले रहे हैं लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन, मेरा सेड है SPF 8। वेबी का टाइम होता है ना, तो ड्राई स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है ये पफी ब्रश, फ्लैट ब्रश ही आप ट्राई करिए। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि समर आ चुका है, ब्लेंडिंग के लिए पफी ब्रश बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट से ये ब्लेंड भी कर देता और सेट भी कर देता अच्छे से आपके फाउंडेशन। अच्छे से ही हम पफी ब्रश से ब्लेंड करेंगे समर के लिए, जैसा कि मैंने बताया पफी ब्रश बहुत ही अच्छा है। फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। फिर से हम हिमालया का पाउडर ले रहे हैं, बेबी पाउडर को आपको अच्छे से अप्लाई करना फाउंडेशन पर, ताकि आपके फेस पर कोई भी ड्राई पैचेस ना आए, ठीक है। फिर से अपना लैक्मे का काजल ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया था। वाला हल्का सा ब्लेंड आउट करेंगे, हल्का सा, जस्ट ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके हल्का हल्का सा जस्ट लगाना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल लाइटली लगाना है, बिल्कुल हल्का सा। इसमें से मैं आईपी वाला ब्लशर लगाऊंगी, बिल्कुल लाइटली मैं ब्लशर लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा।
लिए मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का आई पैलेट, ये वाला, ये देखिए। तो यहाँ पर हम हाइलाइटर लगा रहे हैं, अगर आप हाइलाइटर नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल लाइटली हाइलाइटर लगाइए, इससे आपके फेस का लुक ही चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, हल्का सा ग्लो भी करता है आपका फेस, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एडीएस का लिप लाइनर, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में है और बहुत ही अच्छा है। अब मैं ले रही हूँ एनवाईबी की लिपस्टिक, मेरा शेड है 16, यानी यहाँ पर मैंने ली है बुलेट लिपस्टिक। अगर आप बुलेट लिपस्टिक लगाते हो, बहुत लोगों का मैशी हो जाता है, क्यों मैशी हो जाता है, क्योंकि वो लिप लाइनर नहीं अप्लाई करते हैं। बुलेट लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी की पिंक शेड की लिपस्टिक और अप्लाई करूँगी, जो मेरी लिक्विड में है, काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी प्यारा शेड है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी लगी हो, कुछ भी आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, तो वो भी आप बेझिझक होकर बता सकते हैं। और जो ये मेरा हेयर है, ये मैंने मतलब कि अभी मैं कट कर चुकी हूँ, लेकिन इस टाइम में जो आप देख रहे हो, अभी मेरे हेयर की कटिंग नहीं हुई। अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि मैंने अपने हेयर को कैसे कट किया है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार फिर से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।